आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, आप अनुमान लगाइए क्या है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों अपना ISVT पटना है। और इसका ताज़ा अपडेट ये है कि इसका इनॉग्रेशन हुआ हो चुका है और ये अभी भी इसका काम डिले चल रहा है, क्योंकि जब इनॉग्रेशन होने के बाद जब इसमें सर्विस शुरू होगी तो कहने का मतलब है कि 15 से 20 दिन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है ये कि 15 से 20 दिन का ये सर्विस शुरू होने वाली है। और इधर जो है जो रास्ते का जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और अभी तत्काल में आप ये जो 25 पॉइंट समथिंग इसका जो फ्रंट एरिया है वहाँ पर वो ढाल दिया गया है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन करना था। और इसी तरह मैं आपको बिहार से रिलेटेड भरते हुए बिहार को, अपना बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने अंदर जाने के लिए पूरी कोशिश की पर वो परमिशन नहीं मिला। सो आप बने रहिए वीडियो में। इस बस स्टैंड को शुरू इनॉग्रेशन तो हो गया है, पर इस बस स्टैंड को शुरू होने में काफ़ी समय लगने वाला है। और कम से कम मेरे ख्याल से जितना गंदगी है अब ये कम से कम 6 महीना 7 महीना तो ज़रूर लगेगा, और 6 महीना 7 महीना। लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, कि ये कम से कम 15 दिन का तो समय है सर्विस शुरू होने में, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जिस हिसाब से काम चल रहा था। और फिलहाल इनॉग्रेशन के लिए ये सब रोड ढाल दिए गए हैं और ये 6 लेन का है। बेहतर है, पहले के अपेक्षा बेहतर है, कुछ तो काम हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों ये नाइट व्यू का सीन है, लेकिन सही में ये काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इस बस स्टैंड पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। और नीतीश कुमार ने भी, हमारे जो CM है, हमारे जो मुखिया है, उन्होंने भी कहा है कि ये एशिया का पहला सब हाईटेक बस स्टैंड है। और ये शाम का समय क्या खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए, माय गॉड। स्टार्ट होने में, लेकिन चलिए कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये स्टार्ट हो ही जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत है ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट गेट है, गेट नंबर 1। तो ये जो खूबसूरती है मैं आँखों से देखा।